तो स्टार्टेड फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग का यहाँ पर कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश इज ₹10,000। इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीज इन कैश यानी लेफ्ट हैंड साइड में अकाउंटिंग इक्वेशन में जैसे हम लोग समझे थे कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी ये एक्सप्रेस्ड करता है कि एवरी एसेट्स मतलब एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ऑल एसेट्स को डिनोट किया जाता है और राइट हैंड साइड में कैपिटल और लायबिलिटी को डिनोट किया जाता है। तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट जो है कैश के रूप में आपका कैश इंक्रीजेस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कैपिटल भी क्या हो जाएगा इससे इंक्रीजेस हो जाएगा, बाकी लायबिलिटी जीरो हो जाएगा। तो इस फर्स्ट ट्रांजेक्शन को करने से मेरा कैश इंक्रीज हुआ और कैपिटल भी क्या हुआ इंक्रीज हुआ। इस तरह से डेबिट इक्वल टू क्रेडिट यानी एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी दोनों साइड आपका इक्वल हो जाएगा। इसको फर्स्ट में हम लोग इक्वेशन लिखते हैं और इक्वेशन में यहाँ पर बैलेंस 10,000 इक्वल टू कैपिटल में भी 10,000 और लायबिलिटी इक्वल टू जीरो। अनदर ट्रांजेक्शन है यहाँ पर कि रेंट पेड इन एडवांस या पेड रेंट इन एडवांस बोथ आर सेम। तो इसका मतलब हुआ कि एक न्यू अकाउंट क्रिएट हो रहा है जिसको हम लोग प्रीपेड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीपेड, यानी प्रीपेड आर शोन प्रीपेड जो है वो एक प्रकार का करंट एसेट्स है। तो एक न्यू अकाउंट क्रिएट हो रहा है मुझे यहाँ पर प्रीपेड रेंट अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट। इस डेट में कुछ नहीं था तो जीरो कर देंगे और यहाँ पर एडवांस में दिए 300 तो 300 यह हो जाएगा और चूंकि पेड किए हैं तो इसमें से कैश क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से इसका इफेक्ट जो है राइट हैंड साइड में कुछ नहीं पड़ेगा, यानी लेफ्ट में ही इसका दोनों इफेक्ट पड़ेगा। 300 इसमें से डिडक्ट करेंगे तो 9700 हो जाएगा, ये 300 और इक्वल टू ये 10,000 इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। हमको ये दो डिजिट को देखना है कि कैश और क्रेडिट, कैश में अगर हम परचेज कर रहे हैं तो कैश गोज आउट, कैश डिक्रीज हो जाएगा कितना से 5,000 से, और दूसरी तरफ क्रेडिट परचेज कर रहे हैं इससे क्रेडिटेड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा जो कि लायबिलिटी कहलाता है। तो यहाँ पर इसके सामने में हम लोग लिख सकते हैं क्रेडिटर, ब्रैकेट में क्रेडिटर कर सकते हैं और इसमें यहाँ पर हम क्या करेंगे क्रेडिटर को 2,000 से इंक्रीज करेंगे और टोटल एक न्यू यानी स्टॉक क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर एक न्यू अकाउंट क्रिएट हो रहा है स्टॉक, और स्टॉक कितना से हो जाएगा तो यहाँ पर आपका 5,000 प्लस 2,000 इक्वल टू 7,000। तो इस डेट में नहीं था जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और यहाँ पर आकर के ये क्या होगा तो 7,000 यानी परचेज हो गया। और चूंकि कैश परचेजेज है तो कैश में से क्या करेंगे इसको डिडक्ट कर देंगे। इस तरह से इसका जो अकाउंटिंग इक्वेशन पर इफेक्ट पड़ेगा वो इस तरह से आ जाएगा, यानी 4,700 प्लस 300 प्लस 7,000 इक्वल टू 10,000 और प्लस क्या 2,000। इस तरह से अगर हम लोग एड लेस करके समझे तो यहाँ पर भी 12,000 हो जाएगा और यहाँ पर भी 12,000 हो जाएगा। इसी को हम लोग फाइनल इक्वेशन के नाम से संबोधन करते हैं, यानी फाइनल इक्वेशन जब लास्ट ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो उसको हम लोग फाइनल इक्वेशन कहते हैं। इस तरह से हम लोग इसको अकाउंटिंग इक्वेशन को, इस ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सप्रेस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।